know why you left me bleeding with a broken. नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आज मैं एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो लगभग 95% महिलाओं को है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ PCOD या फिर PCOS के बारे में। ये आजकल हर एक महिला में ये बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि ये बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हमारे खाने पीने या फिर हमारे जो भी हमारा पूरा रूटीन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं या फिर हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर कुछ इतना ज़्यादा मीठा खा लेते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये उस पे डिपेंड करता है, तब हमें PCOD या फिर PCOS की प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे योगासन बताने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से आप लोग बहुत जल्दी घर बैठे ही अपने PCOD को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलो, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से योगासन हैं जो आप लोगों ने PCOD में करना है। ओके, सबसे पहले जो योगासन आप लोगों ने करना है वो है बटरफ्लाई योगासन। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो दोनों जो आपके पांव हैं उनको आप लोगों ने इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिला लेना है, और जो आपके ये हाथ हैं, हाथ के फिंगर्स हैं, उनको नीचे से इस तरीके से जोड़ के यूँ कर देना है, और ये अपने साइड को खींच लेना है। इस तरीके से अपने साइड को खींचना है, इधर को पुश नहीं करना है बल्कि इधर को पुश करना है, और धीरे धीरे अपने पाँव को ऐसे आप लोगों ने हिलाना है। लगभग आप लोगों ने 4 से 5 बार ऐसा करना है। तो अगला आसन हम शुरू करते हैं। तो अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ ऐसे सीधा करना है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सीधा करना है, बिल्कुल पाँव ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आप लोग जिस तरीके से पोस्चर देख रहे हो, इस तरीके से आप लोगों ने पाँव को सीधा कर देना है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने हाथों को आप लोग देखिए, मेरी तरह अगर आप लोग अपने हाथों को कुछ इस तरीके से अपने पाँव के नीचे लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं तो बेटर है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों ने धीरे धीरे अपने हाथों को पाँव की तरफ ऐसा करना है। तो आप लोगों ने लगभग 4 से 5 बार इस योगासन को भी करना है। और जब आप इस योगासन को करें तो अभी हम लोग जैसे सांस लेंगे, और फिर हम लोगों ने आते समय सांस छोड़नी है बाहर अपनी। ऐसे ही हम 5 बार इसको करेंगे, फिर हम दोबारा करेंगे। इसको जब हम ऐसे इस तरीके से करते हैं तो आप लोगों ने 5 बार गिनती करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग यूं कर रहे हैं फिर खड़े हो जा रहे हैं, नहीं, जैसे मैं आपको बताती हूँ यूं करा मैंने, तो 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा योगासन ये था। तो अगला आसन जो है वो है जानुशीर्षासन। उसको भी आप लोगों ने इसी पोस्चर में करना है। बस मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों ने जो अपना ये वाला पाँव है, मेरा ये लेफ्ट पाँव है, तो आप लोगों ने अपने इनर थाइज में लगा लेना है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने अपने इनर थाइज में लगा दिया है, और ये वाला मुझे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपना पाँव, और मुझे सांस भरनी है पहले जब मैं उस साइड जाऊँ, और फिर जब वहाँ से आऊँ तो सांस मुझे छोड़नी है। तो हम लोगों ने अपने हाथों को यूँ करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैंने हाथ जोड़ दिए हैं। सांस भर ली मैंने, और फिर तो ये वाला जो आसन है ये भी आप लोगों ने 5 बार दोहराना है, और जब आप उस साइड जाएं तो आप लोगों ने काउंट करने हैं 1 से 5 तक, और 5 काउंट होने के बाद आप लोगों ने फिर वापस आ जाना है। तो तीसरा योगासन जो है वो है चक्की चलनासन। तो इसके लिए आप लोगों ने जितनी आपकी ये थाइस जो खुल गई है उतना खुल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने खोला है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने अपने हाथों को बांध देना है, मतलब इस तरीके से लॉक कर देना है हाथों को। अपने पाँव के नीचे से एंड से कुछ इस तरीके से हमने चक्की चलनासन करना है।
तो लगभग 15 बार हमें ऐसा करना है, और 15 बार जब हमारा हो जाए तो आप लोगों ने फिर इसी पोस्चर में बैठ जाना है। तो अगला जो आसन है वो है धनुआसन। उसके लिए आप लोगों ने कुछ इस तरीके से रहना है। आप लोगों ने इस तरीके से नीचे लेट जाना है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों, इससे आपका PCOD को खत्म करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, आपको कंसीव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके लिए आप लोगों ने अपने दोनों पांव को कुछ इस तरीके से मोड़ देना है जैसे मैंने मोड़े हुए हैं। फिर आप लोगों ने अपने दोनों हाथों से इस तरीके से अपने लेग को पकड़ लेना है, देख सकते हो आप लोग। और जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उतना आप लोगों ने इस तरीके से उठना है। तो दोस्तों आप लोगों ने जो ये वाले आसन है ये भी 5 से 6 बार दोहराना है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने लेग को पकड़ लेना है और सांस भरते हुए सांस को छोड़ना है। तो अगला जो आसन है वो है स्विमिंग, यानी कि आप लोगों ने स्विमिंग करना है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके PCOD को खत्म करने के लिए। जिन भी लेडीजों को PCOD की प्रॉब्लम है उन लोगों को जरूर ये वाला योगासन करना चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों ने लेट जाना है और कुछ इस तरीके से ये इसमें आप लोगों ने कुछ जैसे आप स्विमिंग करते हो उस तरीके से आप लोगों ने करना है। तो ये देखिए आप लोग मेरी पूरी बॉडी को देखिए, मैं किस तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ। आप लोगों ने भी उसी तरीके से अपनी बॉडी को मूव करना है। आप लोगों ने करना है ये देखिए। तो आप लोगों ने 15 काउंट करने हैं, 15 बार इसे करना है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ देर के लिए रेस्ट कर देना है। फिर दोबारा आप लोगों ने इसके रिपीट करना है, लगभग 3 सेट आप लोगों ने इसके करने हैं। तो दोस्तों अगला जो आसन है वो है सलभ आसन। सलभ आसन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने हाथों की हथेलियों को अपने जांघों के नीचे कुछ इस तरीके से रख देना है। दोनों हथेले को हमने रख दिया है, और जो आपका चिन्ह है, वो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से मैट पे रखना है, सीधा रखना है बिल्कुल। और फिर अपने पांव को आप लोगों ने इस तरीके से उठाना है, लगभग 5 काउंट करने हैं आप लोगों ने। 1, 2, 3, 4, 5। फिर आप लोगों ने धीरे धीरे नीचे रख देना है। फिर ऐसा आप लोगों ने दोहराना है दूसरे पांव पे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर कुछ देर आप लोगों ने रेस्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा इसे शुरू करना है। और अभी जो मैं आपको एंड वाली योगासन बता रही हूँ ये है माउंटेन टू कोबरा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव योगासन है जो कि आपके ओवरी को हेल्दी करता है, आपके यूट्रस को हेल्दी करता है, आपके PCOD को ख़त्म करता है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और कुछ इस तरीके से नीचे आप लोगों ने अपने जो पांव के तले है उसे नीचे मैट पे ऐसे चिपका लेना है। कुछ इस तरीके से अपने सिर को पीछे की तरफ करना है। तो ये जो पोस्चर है ये है माउंटेन, उसके बाद आप लोगों ने कोबरा पोस्चर में आ जाना है। लगभग आप लोगों ने 5 काउंट करना है। 1, 2, 3, 4 and 5। फिर आप लोगों ने बैक जाना है उसी तरीके से माउंटेन में। और फिर आप लोगों ने कोबरा पोजीशन में आ जाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से योगासन जिन्हें आप लोग PCOD की प्रॉब्लम में
फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग भी पीसीओडी से परेशान हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम आप लोग को है, तो आप लोग घर बैठे इन योगासन को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे आपका जो पीसीओडी है वो क्योर होगा, आप लोगों को कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और धीरे धीरे आपका जो पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये योगासन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगी और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।